नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपसे बात करूंगा कि प्ले स्टोर क्या होता है। जी हाँ, आपके एंड्रॉयड मोबाइल में एक प्ले स्टोर का ऑप्शन होता है, और प्ले स्टोर एक ऐप होता है जो मोबाइल के साथ ही इंस्टॉल किया जाता है। आप उसे फॉर्मेट मोबाइल को करें या सारा डेटा इरेज कर दें या फैक्ट्री रिसेट करें, सभी जानकारी को डिलीट कर दें, समाप्त कर दें, और अगर आपका मोबाइल फिर से आप स्टार्ट कीजिएगा, चालू कीजिएगा, तो उसमें प्ले स्टोर नाम का एक एप्लीकेशन रहेगा। अगर आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिएगा अपने मोबाइल को, अगर आपका मोबाइल नया है तो आपको प्ले स्टोर में जैसे आप जाइएगा तो आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा। साइन इन मीन्स आपको एक ईमेल आईडी चाहिए साइन इन करने के लिए। साइन इन खोजता है गूगल प्ले, मतलब आपको एक ईमेल आईडी होना चाहिए, और ईमेल आईडी लिखिए, पासवर्ड लिखिए और साइन इन कर लीजिए। अगर आपको साइन इन ईमेल आईडी आपके पास अगर नहीं है तो आप एक नया ईमेल आईडी बना सकते हैं। उसी में जैसे आप इस पर इस ऐप पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पहले आएगा ईमेल आईडी, उसके नीचे रहेगा क्रिएट एन ईमेल आईडी। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो क्रिएट करें, है तो आप डालें। तो अगर आप क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, चूज योर ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड वेरीफाई योर नंबर। नंबर वेरीफाई करने के बाद आपका बस ईमेल आईडी बन जाएगा। तो ये क्या होता है, गूगल प्ले क्या है, एंड्रॉयड में गूगल प्ले का क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, क्या होता क्या गूगल प्ले। तो गूगल प्ले एक ऐसा सर्विस है गूगल के द्वारा एंड्रॉयड फ़ोन को देता है कि आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं इसमें। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एक्जेंडर हो गया, एक्जेंडर ये है, या एम सेंट, ये सेंट मोबाइल है, या एड ए पी के डिटेल है, या ये है, या ट्यूबमेट है, या जी पी है, या वियो जियो 4G वॉइस है, एरल स्पेस है। यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आपको मोबाइल के अंदर नहीं मिलेगा। आपके ज़रूरत के हिसाब से, आपकी आवश्यकता के हिसाब से आपको खुद डाउनलोड करना होगा। तो प्ले स्टोर एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ आपको एंड्रॉयड ऐप मिलेगा। एंड्रॉयड ऐप उसे कहते हैं जो आपके कामों को अच्छी नज़दीकी से कर सके, आसानी से कर सके। जैसे फेसबुक, तो फेसबुक आपके मोबाइल में बहुत कम मिलेगा, नहीं मिलता है, कुछ कुछ मेन मेन एप्लीकेशन मिलता है, तब आपको डाउनलोड करना होगा। सोचिए जाइए, अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन चाहिए, अगर आप किसी का फेस एडिट करना चाहते हैं, या इमेज बनाना चाहते हैं, या कुछ और गेम खेलना चाहते हैं, या बहुत सारा इसमें कैटेगरी है, आपको इसमें कुछ भी करना है, आप प्ले स्टोर में आइए। आपको एप्लीकेशन चाहिए करने के लिए कुछ भी, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, गेमिंग सॉफ्टवेयर, ऐप, किसी भी प्रकार का, वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, व्हाट्सएप, आप यहाँ पे आके कुछ भी लिखिए। जैसे मुझे चाहिए व्हाट्सएप, WHATSAPP, व्हाट्सएप लिखा, यहाँ व्हाट्सएप निकल गया, तो व्हाट्सएप तो मेरा डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए ओपन करने के लिए बोल रहा है। इसमें एक खास बात क्या है कि अगर आप व्हाट्सएप लिखेंगे, अब आपके पास अगर मोबाइल में व्हाट्सएप होगा तो आपको इंस्टॉल, इंस्टॉल मीन्स आपके मोबाइल में उसे डाउनलोड करना, स्थापित करना, आपको ऑफलाइन यूज़ करने के लिए, इंटरनेट के अलावा डाउनलोड करने के लिए। जो डाउनलोड करने, तो मेरा डाउनलोड हो चुका है इसलिए इसमें ओपन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगर मैं IMO पे क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, यानी मुझे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। आप चाहें तो इस एप्लीकेशन के नीचे कुछ फंक्शन भी देख सकते हैं कि किस तरह काम करता है, किस तरह इसका यूज़ होता है, और किस टाइप का एप्लीकेशन है, कितना डाउनलोड हुआ है और कितने रेटिंग इसमें है। और नीचे आप इसके कमेंट भी पढ़ सकते हैं कि लोगों ने इसमें क्या कमेंट दिया है। IMO नीड अपडेट एवरी 2 डेज, वी आर ट्राई टू अपडेट इट अगेन एंड अगेन। उसमें नीचे कुछ कमेंट है, मतलब यूज़र जो इस ऐप को यूज़ कर चुके हैं वो अपने राय हम लोगों के सामने रखे हैं लिख कर रिटर्न में, कि देखो मैं अगर यूज़ इस एप्लीकेशन को मैं यूज़ किया तो मैंने क्या पाया, और मुझे कैसा लगा, क्या फील हुआ मुझे। इस तरह आप बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर एक ऐसा सर्विस है जो आपको प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए फ्री में, आपकी आवश्यकता के अनुसार। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे प्ले स्टोर क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।